तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी लोग? क्या सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? इज इट क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बता दो बच्चों. फास्ट 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 फास्ट. आर यू ऑल एबल टू लिसन टू मी? भाई लोग, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? इज इट क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बता दो. स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी जो क्विज है, आज का हमारा जो मेगा क्विज है, दैट इज मेंटी एडेड स्पीक फॉर फ्लैमिंगो. तो उसकी तैयारी कर ली है सबने? बताओ भाई, सबने कर ली है तैयारी या नहीं करी है? जल्दी बताओ, फास्ट 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 टेल मी, कितने लोगों की तैयारी जो है वो हो गई है जीत की? वेरी गुड. तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली होगी, लेकिन मेक श्योर की तैयारी करी है जो जीत की वो सही डायरेक्शन में ही जाए, और जल्दबाजी में आंसर्स जो हैं वो गलत नहीं देने हैं, सही तरीके से ही आंसर देने हैं. ठीक है, अच्छे से आंसर देने हैं. और आपको पता ही है मेंटी एडेड स्पीक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा अप होता है, तो कोशिश करना कि कोई जल्दबाजी ना हो, कोई दिक्कत ना हो. ठीक है भाई, चलो तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं हम बच्चों अपने सेशन को. लेट स्टार्ट द सेशन सून. So we have lots of students here. We have Anushka, we have Sumit, sir ka gangster, it means Karan Onkar na. So we have most of the students available here. Jaldi se start kar dete hain bachcho. Fast, 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 fast. सबसे पहली चीज, आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लोगों का वेट कर रहा है, और इतना ज्यादा बेसब्र हो चुका है कि अब मैं क्या बताऊं. तो इसीलिए मेक श्योर कि जो बच्चे जिन्होंने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से प्लस पे आ जाए. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनुष्का, गुड मॉर्निंग. ठीक है, और मेक श्योर आप जल्दी से अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले ले बच्चों, और मेक श्योर वी विन दिस मेंटी क्विज और वी कम इन टॉप 10 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको बता दूं, मेरा नाम है सुमित ठाकुर, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर, और आज की हमारी जो क्विज होने वाली है वो मेंटी एडेड स्पीक पे होने वाली है. और ये जो क्विज है इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो थोड़े से अप टू द पार होंगे, तो जिन बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी होगी, स्पेशली एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, वो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे. तो आई रिक्वेस्ट जो भी बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि एट द एंड एनसीईआरटी इज द किंग इन बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों. अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं करा है, क्योंकि वहां पे आपको क्लासेस की अपडेट्स जो है मिलती रहती हैं. ठीक है, और रही बात कोड की, तो कोड अभी आपको दिखाई दे जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन बच्चों अगर आप लेते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं. ठीक है, जिनमें से एक बहुत बड़ा जो फीचर है दैट इज वॉट, दैट इज कि आप लोगों को एक आप लोगों को यू नो अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी कोर्सेज का. सारे के सारे जो कोर्सेज हैं उनका अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, जो करेंटली चल रहे हैं, जो आने वाले कोर्सेज हैं, जिससे आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत आसान हो जाती है. आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं. तो इट इज़ हाईली बेनिफिशियल, और सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है. जैसे 12 महीने की कॉस्ट 15,000 है, जिसमें 1500 का आपको ऑफ भी मिल जाएगा. अगर आप कोड यूज़ करोगे SUTH10 तो आपको ऑफ भी मिलेगा, है ना. और 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप 18 अक्टूबर तक ज्वाइन करते हो, और क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन भी आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा. समझ आया? बिल्कुल मेंटी होगा बेटा, अभी मेंटी होगा. अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बच्चों आपको एक पर्सनल एजुकेटर मिलता है जो आपको पर्सनली गाइड करता है. तो पर्सनल एजुकेटर का रोल बहुत बड़ा होता है ना, तो मेक श्योर अगर कोई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने वाला है तो हाँ यार, आपको पर्सनल एजुकेटर से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है. लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, पेरेंट्स के साथ आपका यू नो जो एजुकेटर है उसका भी एक कनेक्शन होता है. आपकी रिपोर्ट वो आपके पेरेंट्स को प्रोवाइड करेगा, तो पेरेंट्स को और ज़्यादा ट्रस्ट होगा क्लासेस को लेके, है ना. स्टडी प्लानर दिया जाता है आपको, और यहाँ पे फीस कितनी है, 28,000 फॉर 12 मंथ, लेकिन 12 महीने में 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 28,000 में आपको 2,800 का ऑफ मिलेगा, है ना. वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम. दशहरा धमाका ऑफर चल रहा है बच्चों 18 अक्टूबर तक की. अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन या 15-18 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 4 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा. क्रिएटिव कॉर्नर का अलग 4 महीने का फ्री मिलेगा, तो मेक श्योर आप जल्दी से ले लो. और जो बच्चे जो 12th क्लास के हैं
जो बच्चे जेई नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो भाई इमर्ज उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस वहां पे आने वाले हैं और आप उन क्वेश्चंस के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। और 16, 17, 18, 19 मतलब आज 16 तारीख है, तो आज क्लास 10th का साइंस का है इमर्ज, और क्लास 12th कॉमर्स का अकाउंटेंसी का है, और क्लास 12th साइंस का मैथ्स का है, तो आप ले सकते हो। 17 तारीख को बायोलॉजी का है, 12th साइंस का, 18 को फिजिक्स का है, और 19 को केमिस्ट्री का है। इसी तरीके से कॉमर्स और 10th क्लास स्टूडेंट्स का है। कोड को यूज करना है SUTH10, और इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो गो फॉर दैट और एनरोल आप फ्री में कर सकते हो, ठीक है। तो मेंटी को स्टार्ट करते हैं बच्चों, द लास्ट लेसन की मेंटी सबसे पहले है, उसके बाद हम हर एक चैप्टर को कवर अप करेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। अनुष्का यादव पूछ रही है सर आप प्लस पर भी हो क्या? बेटा प्लस पर मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करो, आप सभी लोगों के लिए प्लस पे मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी के लिए जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। पारुल पांडे गुड मॉर्निंग, बेटा कोड आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा 4020514, ठीक है। आपको वेबसाइट ओपन करनी है www.menti.com और उसके बाद ये कोड यूज करना है 4020514, समझ में आया? हाय अभी ठाकुर, हाय अनुष्का, हाय एवरीवन, सभी बच्चे तैयार, वेरी गुड। हमारे स्टूडेंट्स तो हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं है जब ये तैयार ना रहे, है ना भाई, हमेशा तैयार रहते हो ना तुम लोग। वेरी गुड, तो बोलो स्टार्ट कर दे, कितने लोग चाहते हैं अभी स्टार्ट कर दे, स्टार्ट 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 तो लिख दो, कितने लोग चाहते हैं बच्चों अभी स्टार्ट कर दे हम फास्ट। चलो वेरी गुड, स्टार्ट कर देते हैं, वेरी गुड, चलो स्टार्ट कर देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, द लास्ट लेसन के क्वेश्चंस हैं आप लोगों की स्क्रीन के सामने बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं फास्ट, तो 30 क्वेश्चंस के लगभग हैं हमारे, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, जिस बच्चे ने भी मेंटी को ज्वाइन नहीं करा है जल्दी से ज्वाइन कर लो फास्ट, मेक श्योर आप जल्दी से ज्वाइन कर लो बच्चों, जिस बच्चे ने भी ज्वाइन नहीं करा है मेंटी को जल्दी से ज्वाइन कर लो फास्ट। गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग शिखा, गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग शगुन, गुड मॉर्निंग वैष्णवी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी से बच्चों मेंटी को ज्वाइन कर लो फास्ट 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 फास्ट, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से मेंटी को, तो क्वेश्चन नंबर 1 को लेके आते हैं आप लोगों के सामने, तो आई होप यू ऑल आर रेडी। सर आपने मेला किया? बेटा मेला तो नहीं जा पाए हम भीड़ भाड़ की वजह से। हाय नरेश, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस यूज्ड इन द चैप्टर, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस यूज्ड इन द चैप्टर। अगर आप द लास्ट लेसन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एनसीईआरटी में आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे कहीं पे, और ये तब की बात होती है जब वहां पे जो बच्चे होते हैं लास्ट लेसन में जो प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे बच्चे, जब वो फ्रेंच के अल्फाबेट्स को सॉरी लेटर्स को पढ़ रहे होते हैं, तो क्या करेक्ट सिक्वेंस होता है, बा बे बी बो बू होता है, बा बू बी बो बे होता है, तो ये अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो भाई द लास्ट लेसन का एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो सिक्वेंस है वो आपको वहां पे दिखाई देगा, तो करेक्ट सिक्वेंस क्या था ये क्वेश्चन था हमारा। तो लेट्स सी कितने लोगों का करेक्ट आंसर है, 11 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, 4 का आंसर गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते रहो, अगले क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कितने बच्चों का सही होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। और जल्दी से मेंटी ज्वाइन कर लो भाई, जिसने भी मेंटी को ज्वाइन नहीं करा है जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी देखते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिप्रोच इन द चैप्टर, रिप्रोच जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है चैप्टर के अंदर, रिप्रोच का मतलब टू लीड है, टू क्रिटिसाइज है, टू चेंज है, या टू रिग्रेट है। और जिन बच्चों ने भी पहले जो मेंटी एडेड स्पीक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं वो इनको आंसर जरूर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच नरेश, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर। बच्चों रिप्रोच का मतलब यहाँ पे क्रिटिसाइज है, वो लोग अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे थे कहीं ना कहीं, वो अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उन्होंने MML ने एक लाइन बोली थी, वी हैव ऑल गॉट अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, इसका मतलब हम सबको अपने आप को क्रिटिसाइज करने की जरूरत है, अपने आप को ये समझाने की जरूरत है कि हमने क्या क्या गलत डिसीजन लिए हैं। जैसे MML ने बच्चों को गार्डनिंग के लिए भेजा, फिशिंग के लिए छुट्टी कर दी, है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, वेरी गुड। और यहाँ पे सबसे तेज आंसर किसने दिया है जल्दी से देखते हैं, लीडर बोर्ड पे कौन आगे चल रहा है,
तो वी हैव कोमल, कोमल ने बहुत तेज आंसर दिए हैं अभी तक, वेरी गुड कोमल, कीप इट अप डियर, वेरी गुड। मेरे प्री बोर्ड में आया था, क्या बात है, आपके प्री बोर्ड में आया था, दैट्स रियली ग्रेट। फिल इन द ब्लैंक, इट डैश द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट डैश, इट इज, इट हैज बीन, इट वॉज और इट हैड बीन। जिसने पहले मेंटी एडिट स्पीक अटेंड की होगी ना, उसके कभी भी गलत नहीं होने वाले, इस बात को ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग आरोही मलिक, हाउ आर यू डियर, कैसे हो आप बच्चों? जल्दी से मेंटी को ज्वाइन कर लो, अगर किसी ने अभी तक मेंटी को ज्वाइन नहीं करा है तो। कई सारे बच्चों ने इस बोला है, यार मैंने पहले भी ये क्वेश्चन लिया था, तीन बच्चों का करेक्ट है। आप फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन का एनसीईआरटी टेक्स्ट देखना, वहां पे वॉज आ रखा है, वहां पे वॉज लिखा हुआ है बच्चों। उन्होंने वॉज इसलिए बोला था क्योंकि वो लैंग्वेज अब नहीं रही थी ना वहां पे, इसीलिए उन्होंने वॉज का रेफरेंस दिया था। खाली तीन का करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं अनुष्का, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप लोगों की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी सबकी। फिल इन दी ब्लैंक, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई डैश, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई डैश। और यहाँ पे आई कौन है? आई यहाँ पे फ्रेंड्स जो लड़का है, जो नरेटर है स्टोरी का, वो आई है यहाँ पे। आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई डैश, जल्दी बताओ फास्ट क्या होगा। वेरी गुड, कीप आंसरिंग बच्चों। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बेसिकली फ्राइट, क्या होगा? फ्राइट। और ये फ्रेंड्स ने कब बोला था? जब वो एम एमएल से बच के एक तरीके से बैठ गया, एमएमएल ने जेंटली उसे बिठा दिया है, और उसके बाद वो कहता है कि व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्राइट, फ्राइट का मतलब फियर, जब मैं फियर को थोड़ा ओवरकम करता हूँ। तो मैंने देखा था कि मेरे टीचर ने एक ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी, है ना, वो वाला पॉइंट था। छह बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है खाली यहाँ पे, भाई थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा मेहनत करो, है ना। सुमित सर का गैंगस्टर आ गया है तीसरे नंबर पे, सुमित सर की स्टूडेंट आ गई है यहाँ पे आठवें नंबर पे, कोमल चल रही है पहले नंबर पे, कोमल ने दिया है फास्टेस्ट आंसर, वेरी गुड कोमल, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं जल्दी से। फिल इन द ब्लैंक, आई थॉट टू माई सेल्फ डैश, आई थॉट टू माई सेल्फ डैश, वॉट कैन बी द इशू नाउ, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, वॉट कैन बी द प्रॉब्लम नाउ, और वॉट इज द मैटर नाउ। जल्दी बताओ क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आई एम गुड बच्चो, हाई मैनुल इस्लाम, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, ज्यादातर बच्चों का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। जो बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं ना, उसका रीजन क्या है मैं बता देता हूँ, अगर तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा तो। एनसीईआरटी टेक्स्ट आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत जरूरी है। वॉट इज द करेक्ट सिक्वेंस यूज इन द चैप्टर, ठीक है, ये वाला जो है ये आपका लॉ स्प्रिंग से है बच्चों, लॉ स्प्रिंग से है, ये ध्यान रखो लॉ स्प्रिंग से है। तो वॉट इज द करेक्ट सिक्वेंस यूज इन द चैप्टर, दैट इज अपाथी टू पॉवर्टी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। बच्चों ये यार क्या यार, एक बच्चे का आंसर खाली ठीक है, पॉवर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, क्या बात यार, एक बच्चे का आंसर ठीक है। लॉ स्प्रिंग चैप्टर जिसने पढ़ा होगा ना उसको पता है, ये लास्ट में आता है बेसिकली, ये लास्ट में आता है क्वेश्चन, क्लियर। और कौन से वाले के लास्ट में आता है पता है, ये फिरोजाबाद वाला जो पार्ट है उसके लास्ट के अंदर आता है ये, थोड़ा ध्यान दो भाई, ध्यान दो। चलो, द लाइन इज फ्रॉम विच पार्ट, ही इज कंटेंट टू वॉच इट, ये कौन से पार्ट से है जल्दी बताओ, ही इज कंटेंट टू वॉच इट, जल्दी बताओ। सर फोर्थ ऑप्शन नहीं आया था, अगर नहीं आया था तो शायद ये है कुछ प्रॉब्लम लैग की, लेकिन ही इज कंटेंट टू वॉच इट, वेरी गुड, सीमापुरी से है, नाइस। और यहाँ पे ही कौन है बेसिकली, यहाँ पे ही साहिब आलम है, ठीक है, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग मैलुल इस्लाम, सर मेरा एक क्वेश्चन स्किप हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं हिमांशु, ठीक है। तो यहाँ पे कोमल जो है वो अभी भी सबसे आगे है, और कोमल को भाई पीछे करने वाला कोई आएगा या नहीं आएगा, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। वेरी गुड कोमल, नाइस। क्वेश्चन नंबर एट पे आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक, कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, फिल इन द ब्लैंक भरना है कि कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के द्वारा लिखा गया जो लीनेज है उसको हम तोड़ सकते हैं। लीनेज किसे कहते हैं, लीनेज जनरेशन टू जनरेशन हमारी जो फैमिली लाइन कोई काम करते हुए आ रही है उसको कहते हैं ना, तो शी इम्प्लाइज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये शी इम्प्लाइज में पता है शी कौन है, ये मुकेश की ग्रैंड मदर,
कौन है? मुकेश की ग्रैंड मदर, को ध्यान रखना ठीक है। जिसने मेंटी ज्वाइन नहीं करा है भाई, जल्दी से मेंटी को ज्वाइन कर लो ठीक है। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई लोग। फिल इन दी ब्लैंक फॉर अ चाइल्ड इट इज डैश, फॉर अ चाइल्ड इट इज डैश, इट इज मोर, इट इज इवन मोर, इट इज अ लॉट और इट इज वेरी मच। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ फास्ट, और वीडियो को लाइक कर दो भाई। जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है वीडियो को लाइक कर दो। वेरी गुड, और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों इवन मोर, इवन मोर इज द करेक्ट आंसर हियर। बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत है, और आंसर गलत खाली उनका हो रहा है जिन्होंने एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा है। अनुष्का यादव पूछ रही है सर इम्प्लाइज क्यों होगा? बेटा इम्प्लाइज इसलिए होगा क्योंकि एनसीईआरटी में इम्प्लाइज वर्ड यूज किया गया है इस लाइन के अंदर, इसलिए इम्प्लाइज होगा, है ना। कोमल ने करेक्ट आंसर दिया है, सुमित सर की स्टूडेंट है, उनसे पीछे सुमित सर का गैंगस्टर पहुंच गया है 9th नंबर पे, वैष्णवी है 10th नंबर पे। वेरी गुड, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं बच्चों। वेरी गुड, फिल इन द ब्लैंक, माई डैश विद द बेयर फुट रैक पिकर्स, माई डैश विद द बेयर फुट रैक पिकर्स। तो यहाँ पे डैश क्या है? एक्वेंटेंस, एक्विटेंस, एक्विटेंस और मीटिंग। बच्चों एक्विटेंस की स्पेलिंग्स आपको देखनी पड़ेगी कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, समझ आया? वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों आपने देखा सेकेंड वाली जो स्पेलिंग है उसके अंदर सी गिवेन ही नहीं है, तो ये डायरेक्टली गलत हो गया। और जो थर्ड वाली स्पेलिंग है उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो एन गिवेन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो पहला वाला करेक्ट माना जाएगा ठीक है। हेलो दीपक एस के, हाउ आर यू डियर। और लीडर बोर्ड पे कोमल का आंसर गलत हो गया है। यहाँ पे कोमल ने एक मौका दे दिया है सुमित सर की स्टूडेंट को आगे जाने का। और खुशी का मिस्टर जिद्दी, ये फास्टेस्ट है भाई। खुशी का मिस्टर जिद्दी मतलब यहाँ पे मिस्टर है या मिस है भाई, ये समझ नहीं आया मुझे तो। वेरी गुड, डीप वाटर के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बच्चों। डीप वाटर के क्वेश्चंस क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेडिंग? वेडिंग का मीनिंग क्या है बेटा? थोड़ा बहुत बग हो सकता है एमएनटी पे, आई कैन एक्सेप्ट दैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेडिंग? वेडिंग का मीनिंग क्या है ये जल्दी से बताओ। वॉक, वॉक विद एफर्ट, पुश, पुश विद एफर्ट, जल्दी बताओ वेडिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेडिंग? दैट इज टू वॉक विद एफर्ट, बिल्कुल सही कहा, वॉक विद एफर्ट इज कॉल्ड वेडिंग हियर, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं भाई लोग। कुछ ऑप्शन नहीं आ रहे हैं बेटा, क्या सबके ऑप्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं जल्दी बताओ। हाउ मेनी मंथ डगलस लर्न स्विमिंग थ्रू इंस्ट्रक्टर, कि डगलस ने स्विमिंग कितने मंथ सीखी थी? बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, मैंने पहले डीप वाटर की मेंटी एडिट स्पीक जब ली थी तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उन्हीं में से हैं, जिन बच्चों ने उनको कर रखा होगा या जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी उनके आंसर करेक्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे करेक्ट आंसर है 6 मंथ्स, वेरी गुड। पहले मैं ये देखता था कि मेंटी एडिट स्पीक के जब मैं क्वेश्चन पूछा करता था तो बहुत बच्चों के आंसर गलत होते थे, लेकिन अब कम से कम 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आंसर करेक्ट हो रहे हैं, दैट इज रियली ग्रेट। और इस बार कौन आगे पहुंचने वाला है जल्दी देखते हैं। सुमित सर की स्टूडेंट ने तेज आंसर दिया है, और सुमित सर की स्टूडेंट और कोमल के अंदर 500 पॉइंट का डिफरेंस है। हाय सौम्या, हाउ आर यू डियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई लोग। फिल इन द ब्लैंक, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई डैश डाइव्ड इनटू द लेक, आई डैश डाइव्ड इनटू द लेक, जल्दी बताओ। आई जंप्ड, वेंट, स्ट्रिप्ड और विजिटेड, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, वो वाला पॉइंट है जब वो वार्म लेक गया था, जब विलियम डगलस वार्म लेक गया था, तो ये वो वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे कर, अरे भाई साहब ये गलत कर दिया तुम लोगों ने, स्ट्रिप आएगा यहाँ पे, ये वार्म लेक वाला पॉइंट है, यहाँ पे स्ट्रिप करता है वो, कपड़े उतार देता है सारे के सारे, दैट इज स्ट्रिप। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन दी ब्लैंक, आई इमेजिन आई वुड डैश टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, और ये बहुत ईजी है, ये लाइन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ये लाइन बहुत बार हमने पढ़ी होगी, है ना। वेरी गुड, जल्दी बताओ क्या होगा इसका, बहुत आसान है, बहुत आसान, ये तो सबका सही होना चाहिए, फिर भी गलत हो गया, फिर भी गलत हो गया यार। तुम लोग एनसीईआरटी कब पढ़ोगे मेरे को ये बता दो, किस किस ने एनसीईआरटी यहाँ पे नहीं पढ़ी है एक बार मुझे बताना चैट स्क्रीन पे, अभी तक किस किस ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है? कोमल का करेक्ट है, सुमित सर की स्टूडेंट का करेक्ट है, शीतल का करेक्ट है, शगुन का करेक्ट है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है?
आपने नहीं पढ़ी है, चलो और किसने नहीं पढ़ी है? अंशुल यादव ने नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है सर, एनसीईआरटी क्रेजी बॉय कह रहे हैं, शशांक पांडे कह रहे हैं सर मैंने नहीं पढ़ी है। देखो अगर तुम सच में रिजल्ट अच्छा लेके आना चाहते हो ना बच्चों, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि एमसीक्यू का ना पता नहीं होता कहाँ से आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखो, एनसीईआरटी को पढ़ लो, जिसने भी नहीं पढ़ी है, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ी है एनसीईआरटी, तो पढ़ लो जल्दी से, ठीक है। एवर्जन, आई हैड डैश टू द वाटर, एवर्जन वर्ड का यहाँ पे यूज हुआ है। एनसीईआरटी को पढ़ लो कम से कम तुम फ्लेमिंगो तो पढ़ लो एनसीईआरटी से कम फ्लेमिंगो तो पढ़ लो, समझ में आ रहा है? और मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रखी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरे प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हो। शीतल का आंसर फास्टेस्ट है, वेरी गुड शीतल, माई मदर एट 66 आ गया है, आई एम गुड, गुड मॉर्निंग प्रणव, हाउ आर यू। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, लेट्स सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वैन एज डिस्क्राइब्ड इन द पोम। पोम के अंदर वैन को क्या डिस्क्राइब किया गया है, ये तो होना चाहिए सही, क्योंकि ये तो जब आप पोम पढ़ोगे तो लास्ट में ही वैन का मीनिंग दे रखा है पोम के अंदर ही। सर पॉल कहां से आएगा? शशांक पांडे ऊपर देखो लिखा हुआ है www.mendy.com, ये वेबसाइट खोलनी है और कोड डालना है 4020 5144। वेरी गुड प्रणव, चलो ये वाला आंसर दिया है। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यार, क्या करके मानोगे? तुम्हें पता है माय मदर एट 66 फॉर्म को जब खोलोगे ना तुम, एंड में ही गिवन है वैन, और वैन का मीनिंग भी गिवन है कलरलेस वहां पे, फिर भी तुम लोगों का गलत है, फिर भी गलत है, देख लो क्या कर रहे हो यार, पढ़ो यार थोड़ा पढ़ाई करो। अभी एग्जाम कितना टाइम रह गया, मैक्सिमम डेढ़ महीना रह गया तुम्हारे एग्जाम को, डेढ़ महीने के अंदर क्या झंडे उखाड़ लोगे, फिर एक बात सोचो। फिल इन दी ब्लैंक, हर फेस एशन डैश दैट ऑफ अ कॉप्स, एक जगह कंपेरिजन में एज यूज हुआ था और एक जगह लाइक यूज हुआ था, तो यहाँ पे क्या आएगा जल्दी देखो, जल्दी बताओ फास्ट। और यहाँ पे 18 बच्चों का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, 18 बच्चों ने पढ़ रखा है ये, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। और यहाँ पे तेज आंसर दिया है किस बच्चे ने, सबसे तेज आंसर दिया है यहाँ पे शीतल ने, शीतल कल भी जीत के गई थी, शीतल मुझे लगता है कि आज भी टक्कर दे देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। वेरी गुड शीतल, कीप इट अप। What is the figure of speech children spilling out of their homes? ये भी मैंने रटवा दिया है, बार बार ये क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को, बहुत बार बार। कार के अंदर का एनवायरमेंट और कार के बाहर का एनवायरमेंट एक दूसरे से कंपेयर हो रहा है डिफरेंस के सेंस में, और एज और लाइक यूज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? बहुत आसान है, बहुत आसान, दैट इज मेटाफर। मेटाफर जिन बच्चों ने बोला होगा वो करेक्ट है, वेरी गुड, मेटाफर वाले स्टूडेंट्स के लिए वेरी गुड, बाकी बच्चों ने पढ़ाई सही से की नहीं है, क्या करें अब हम, है ना। अगला क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक, शी वॉज एज ओल्ड एज शी डैश अपीयर्ड, लुक्स, लुक्ड और सीम्स। सर स्क्रीन ब्लैक हो गया है, बेटा स्क्रीन ब्लैक हो गया है, मेरे को तो स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है अपनी, ऐसे कैसे ब्लैक हो गया है? यहां पे करेक्ट आंसर है बच्चों लुक्ड, वेरी गुड, 10 बच्चों ने करेक्ट दिया है। हेलो द फीन्ड, How are you the fiend? Appeared नहीं आएगा नमन सिंह, looked आएगा, एक बार poem को पढ़ के देखना पता चलेगा आपको। और यहाँ पे इस बार तेज आंसर किसने दिया है, I think कोमल ने तेज आंसर दिया है, वेरी गुड। खुशी का मिस्टर जिद्दी है चौथे नंबर पे, फिर वैष्णवी, फिर हनी बीटीएस आमी, फिर पारुल पांडे, शगुन उज्जवल, फिर आशीष गंगास्टर, बेटा गैंगस्टर होता है गंगास्टर नहीं होता, ठीक है। 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स सी, वेरी गुड, फिल इन दी ब्लैंक, हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर डैश ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी, इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल और वैल्यूज। बच्चों यहाँ पे ये तीनों चीजें गिवन है ऑथर के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन पहले नंबर पे क्या आया है ये हमारे को देखना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी देखो, वेरी गुड, ओरिजिनलिटी इज द करेक्ट आंसर है, ओरिजिनलिटी सबसे पहले भी यहाँ पे भी ए में भी दे रखा है और वैसे भी सबसे पहले आया है वहां कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो। हेलो नीकू लॉमर, हाउ आर यू। और कोमल और सुमित सर की स्टूडेंट का गलत हो गया है यहाँ पे, और शीतल आगे पहुंच गई है, लेकिन कोमल और सुमित सर की स्टूडेंट ऑलरेडी आ गए हैं तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है,
वैष्णवी ने फास्टेस्ट आंसर दिया है यहाँ पे, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं बच्चों। हेलो निकू, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग। यहाँ पे फ्यूचर को फॉग से कंपेयर किया गया है, वो भी डायरेक्टली। वेरी गुड, फ्यूचर को फॉग से कंपेयर किया गया है डायरेक्टली। और जब भी डायरेक्ट कंपेरिजन होता है तो हमारा शक ही नहीं है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज मेटाफर, है ना भाई, मेटाफर। जिसने भी मेटाफर आंसर दिया है दैट इज करेक्ट। वेरी गुड, नाइस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों ये सारे के सारे, ध्यान रखना। वट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अज्योर एज डिस्क्राइब्ड इन द पोम। जो अज्योर वर्ड है उसको किसके लिए यूज हुआ है, ब्लू स्काई के लिए, ब्लू के लिए, फ्रीडम के लिए, या लाइफ विदाउट लिमिट्स के लिए, ये भी मैंने करा रखा था। सर लिंक इज नॉट ओपनिंग, बेटा कौन सा लिंक ओपन नहीं हो रहा सर, ये नीट के लिए है क्या बेटा, नीट के लिए थोड़ी है, नीट में इंग्लिश थोड़ी ना आती है। हाय भव्य, और फ्रीडम, वेरी गुड वेरी गुड। फिर भी 10 बच्चों का आंसर गलत है, कोई नहीं यार, थोड़ी सी पढ़ाई करो, थोड़ी सी पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। और कोमल का आंसर यहाँ गलत हो गया है, कोमल क्या कर दिया बेटा आपने, आप पीछे चले गए, सुमित सर की स्टूडेंट पहुंच गई आगे। और शीतल थोड़ा सा अपने आप को पुश और करो, थोड़ा सा और पुश करोगी तो आगे पहुंच सकती हो। वेरी गुड बेटा, कौन सा लिंक ओपन नहीं हो रहा ये तो बताओ कम से कम। नरेंद्र, फिल इन द ब्लैंक अवॉर्डिंग द वर्ल्ड डैश वर्ल्ड, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड डैश वर्ल्ड, जल्दी। इट्स बिना एपोस्ट्रोफीस के, इट्स एपोस्ट्रोफीस के साथ, देयर और हिज, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इट्स, आई टी एस, इट्स। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के आंसर करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों के गलत हो रहे हैं उन्हें एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं मेरे दोस्तों। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे डोम क्या है, बिल्डिंग, और बिल्डिंग को क्या बोला गया है, सिविलाइज्ड। और सिविलाइज्ड का मतलब कि वहां पे ह्यूमन ट्रेड दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ पर्सोनिफिकेशन। क्या हुआ भाई, ये हुआ पर्सोनिफिकेशन, ठीक है भाई, ध्यान रखो ध्यान। 14 स्टूडेंट्स का सही है, करेक्ट है, वेरी गुड। और यहाँ पे तेज आंसर किसने दिया है, सुमित सर की स्टूडेंट का, और कोमल का गलत हो गया है, फिर से शीतल ने भी तेज आंसर दिया है, और शीतल आगे निकल गई है, लेकिन शीतल 2000 पॉइंट्स का डिफरेंस है, थोड़ा कुछ करिश्मा करना पड़ेगा। और सुमित सर की स्टूडेंट अगर गलत आंसर दे देती है तो आप आगे बढ़ सकते हो। वेरी गुड, हाय मुनजीर आलम, हाउ आर यू, हिज वर्क्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द थीम्स ऑफ डैश एंड क्लास इनइक्वालिटीज। यहाँ पे बात करी जा रही है स्टीफन स्पेंडर के वर्क्स की। वेरी गुड, जो भी बच्चे जिन्होंने मेंटी को ज्वाइन नहीं किया था बच्चों, मैं सभी को बता दूं 10:30 बजे, ध्यान से सुन लो, 10:30 बजे विस्टाज का मेगा सेशन है, 10:30 बजे मेंटी एडेड स्पीक्स का विस्टाज का मेगा सेशन है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। वेरी गुड, और यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी देखते हैं, यहाँ करेक्ट आंसर होगा सोशल इनजस्टिस। यार ये मजा आ गया, सारे बच्चों ने ज्यादातर ये करेक्ट आंसर किया है, वेरी गुड, ये वाला आंसर बहुत सही करा है बेटा। रिवीजन बहुत जल्दी होगी, तुम चिंता मत करो रिवीजन का, रिवीजन बहुत जल्दी स्टार्ट होगी गणेश, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, जितनी जल्दी तुम्हें है उससे ज्यादा जल्दी मुझे है ना। अगले पे बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट द करेक्ट लाइन एज मेंशन इन द पोम। पोम में कौन सी लाइन ऐसी है जो करेक्ट नहीं है, और ये तो बहुत रिसेंटली करी थी पोम हमने। इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड परहैप द अर्थ कैन टीच अस, आई वांट नो ट्रक विद दैट। बेटा इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड था, इसका मतलब ए वाला जो आंसर है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ये लाइन आई नहीं है ना, तो 9 बच्चों का आंसर यहाँ करेक्ट है। वेरी गुड बच्चों, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना पूरा का पूरा 12th का सिलेबस नहीं कराया है, तो मैं रिवीजन की सीरीज लेके आने वाला हूँ, तो क्या आप लोगों को रिवीजन की सीरीज चाहिए, जल्दी बताओ, अगर चाहिए तो यस 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 लिख दो। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द शेड, इन द शेड में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, मेटाफर, पन, ऑक्सीमोरॉन और ट्रांसफर्ड एविडेंस। बच्चों शेड का कंपेरिजन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो, वी हैव शिवी पांडे हियर, अनुष्का यादव हियर, नरेंद्र हियर, वेरी गुड, मेटाफर इज द करेक्ट आंसर हियर, वी हैव गणेश, शशांक पांडे, प्लस पे नहीं बेटा, यूट्यूब पे ही आएगी ये, प्लस पे तो अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, प्लस पे अभी मैं 11th पढ़ा रहा हूँ, 12th मैंने स्टार्ट नहीं करा है, 12th भी हो जाएगा स्टार्ट, डोंट वरी, चलो स्टार्ट कर देंगे, चिंता मत करो। शीतल ने दिया है फास्टेस्ट आंसर, वेरी गुड शीतल,
और सुमित सर की स्टूडेंट ने अगर एक भी आंसर गलत कर दिया तो काम हो जाएगा। चल हर्षित जैन, हाय हाउ आर यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रक एज डिस्क्राइब्ड इन द पोम? पोम के अंदर ट्रक का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जल्दी बताओ। और जो जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, दोस्तों SUTH10 कोड लगाना है और प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर लाना है, और साथ में 10% डिस्काउंट पाना है, और सुमित सर को दिखाना है कि सर हमने भी अपना प्लस चमकाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रक? ट्रक का मतलब है एसोसिएशन। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, इट मीन्स आई वॉन्ट नो एसोसिएशन विद डेथ। वेरी गुड, चल वेरी गुड। फिल इन द ब्लैंक, डैश द अर्थ कैन टीच अस, जल्दी बताओ। डैश द अर्थ कैन टीच अस, समटाइम्स परहैप्स मेनी टाइम्स और इट इजी दैट, इट इज इजी दैट, जल्दी बताओ। वेरी गुड नरेंद्र, लेके आएंगे तुम्हारे लिए रिविजन सीरीज, चिंता मत करो, तुम्हारे ये सारे के सारे यस जाया नहीं जाएंगे। वेरी गुड, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है परहैप्स। वेरी गुड, 15 बच्चों का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, दैट्स नाइस, पढ़ लिया है बच्चों ने कुछ ने तो। पारुल पांडे, नेक्स्ट मेंटी 10:30 होगी अभी सुबह, 10:30 नेक्स्ट मेंटी होगी हमारी। और यहाँ पे तेज आंसर दिया है रघवेंद्र ने। रघवेंद्र मुझे लग रहा है तुम लेट आए हो थोड़ा, है ना, 10:30 नेक्स्ट मेंटी होगी। कौन कौन आएगा 10:30 वाली मेंटी में? फिल इन दी ब्लैंक, इट वुड बी डैश मूवमेंट, क्वाइट एग्जॉटिक, इजी और काम, जल्दी बताओ। रिवीजन सीरीज आएगी, जिंदाबाद जिंदाबाद, वेरी गुड। फिल इन दी ब्लैंक, इट वुड बी डैश मूवमेंट, इट वुड बी क्वाइट एग्जॉटिक, इजी और काम, जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, एग्जॉटिक, नाइस। और यहाँ पे जो बच्चा जीता है, अभी दिन में होगी सर बेटा, मॉर्निंग में होगी सिमरन, मॉर्निंग में विस्टार्स का मेगा सेशन होगा मेंटी का, सारे आ जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। भैया आपकी वीडियो देख ली यूट्यूब वाली, फिर फ्लैमिंगो खत्म हो गई और ये क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं बेटा, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ गणेश, तुमने यूट्यूब वाली वीडियो देख ली है ना, उससे ये वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, समझ में आ रही है बात? ये वाले क्वेश्चन आपके तब होंगे जब आप NCERT वाली सीरीज देखोगे मेरी। वैसे ये वाले क्वेश्चन बहुत मुश्किल है तुम्हारे एग्जाम में आना, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट पेपर सेट होगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा NCERT को भी पढ़ लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझ में आया, क्लियर। सुमित सर की स्टूडेंट विनर है यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेशन टू सुमित सर की स्टूडेंट, वेरी गुड डियर। बच्चों जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आई रिक्वेस्ट प्लस सब्सक्रिप्शन एक बार ले लो, प्लस सब्सक्रिप्शन लेके देख लो, क्योंकि प्लस में तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है, इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद यूट्यूब पे नहीं हो पाती हैं, स्पेशल क्लास में नहीं हो पाती हैं, वो प्लस पे हो पाती हैं। तो मेक श्योर जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्लस नहीं लिया है वो प्लस जरूर ले लो। रैंकर्स को एक बार शाउट आउट दे देते हैं, फर्स्ट सुमित सर की स्टूडेंट, फिर शीतल, फिर कोमल, वैष्णवी, शगुन, उज्ज्वल, अनुष्का यादव, रघवेंद्र, पारुल पांडे और सतीश कुमार। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टॉपर्स, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। और बच्चों अभी अभी हमारा 11th अक्टूबर से 11th का और 12th के नए नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए, तो सभी बच्चे जो है वो ज्वाइन करें प्लस को और कोड यूज करें, दैट इज SUTH10। और तुम्हें पता ही है कि प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ तुम्हारे को अनअकैडमी आस्क का डाउट फीचर देता है, जिसमें तुम अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, जो जिनके बहुत सारे डाउट्स निकलते हैं, बस आपको अपने डाउट की फोटो लेके सेलेक्ट करके भेजनी होती है, आस्क का डाउट पे क्लिक करके और सब्जेक्ट कैटेगरी को चूज करना होता है, और SUTH10 कोड लगाना है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, बच्चों इस बात को ध्यान रखना। और 10:30 विस्टार्स का सेशन है, मेगा सेशन, तो उसको ज्वाइन जरूर करना है, समझ में आ गया, 10:30 विस्टार्स का सेशन है, उसको ज्वाइन जरूर करना है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो और लेट्स क्रैक इट, क्योंकि अनअकैडमी में हम करते हैं एग्जाम को क्रैक। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में 10:30। बाय बाय, टेक केयर।